हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ भानीराम डाल। दोस्तों, वेजिटेबल क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर अपने नेक्स्ट क्रॉप कर रहे हैं टोमेटो कल्टीवेशन। जैसा कि आपको पता हो, टोमेटो मेजर क्रॉप में से एक क्रॉप है। पोटैटो, टोमेटो, अनियन की बात करें तो इनसे अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है। सबसे पहले अपने जनरल इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। टोमेटो को, टमाटर को अपने नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल भी कहते हैं। नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल क्यों कहा जाता है? क्योंकि सब्जियों के अंदर जो सबसे ज्यादा प्रोसेसिंग होती है वो टोमेटो के अंदर ही होती है। आपने सुना होगा सॉस, केचप, प्यूरी, पेस्ट, सो बहुत तरह के जो प्रोडक्ट है वो टोमेटो से बनते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट अपने जनरल यूज करते हैं। वेजिटेबल में सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो टोमेटो की होती है, इसलिए इसको नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल बोलते हैं। दूसरी चीज, आप जब प्रोसेसिंग पढ़ते हैं तो प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? जिसका पीएच 5 से कम होता है, कोई भी फल है या सब्जी है जिसका पीएच 5 से कम होता है, उसका प्रिजर्वेशन क्या होता है? बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो वेजिटेबल में अगर बात करें तो 5 से पीएच वाली एक टोमेटो ही वेजिटेबल है या फिर रूबरब है। तो रूबरब तो इतनी पॉपुलर नहीं है, टोमेटो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो इसकी जो प्रोसेसिंग है यानी प्रिजर्वेशन है वो बहुत ईजी है। अगर अपने दूसरी वेजिटेबल की बात करें, प्रोसेसिंग उनमें भी हो सकती है यानी उनका भी प्रिजर्वेशन होता है, लेकिन उनमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं। जैसे फ्रूट्स है ऑलमोस्ट अपने पपाया को छोड़ दें और बनाना को छोड़ दें तो सबका जो पीएच है वो लेस देन 5 होता है, तो उनकी प्रोसेसिंग करना आसान होता है, तो फ्रूट में प्रोसेसिंग ज्यादा होती है। वहीं पे अगर वेजिटेबल में बात करें तो वेजिटेबल मोस्ट ऑफ है जिनका पीएच है वो 5 से ज्यादा होता है, और बहुत सारी वेजिटेबल में तो सल्फर देखने को मिलता है यानी बेसिक नेचर की देखने को मिलती है। तो टोमेटो का पीएच 5 से कम है इसलिए इसकी प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, इसका प्रिजर्वेशन ईजी है, इसीलिए अपने नंबर वन प्रोसेसिंग वेजिटेबल है। उसके अलावा इसको वुल्फ एप्पल बोलते हैं और विलायती बैंगन भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें बोटेनिकल नेम है इसका लाइकोपरिस्कोन एस्कुलेंटम। फैमिली की बात करें तो सोलेनेसी को अपने नाइट साइड फैमिली भी कह देते हैं। इससे चिल्ली, मिर्च भी बिलोंग करता है, ब्रिंजल बैंगन भी बिलोंग करता है, और पोटेटो आलू भी बिलोंग करता है। उसके अलावा आप सस्य विज्ञान में टोबेको पढ़ते हैं, तंबाकू पढ़ते हैं, वो भी सोलेनेसी कुल का है। इधर आप मेडिसिनल क्रॉप में जाओगे तो मेडिसिनल क्रॉप के अंदर आप अश्वगंधा पढ़ते हैं, जिसको आजकंद बोल देते हैं, अश्वगंधा, वो भी सोलेनेसी का है। उसके अलावा मैं बात करूं जैसे मेडिसिनल क्रॉप में ही बेलेडोना, ये भी सोलेनेसी के, यानी सोलेनेसी कई सारी जो क्रॉप है उनकी कमर्शियल वैल्यू है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सस्य विज्ञान में आप टोबेको पढ़ते हैं, वो सोलेनेसी का है। इधर आप वेजिटेबल्स क्रॉप में अगर बात करें तो टोमेटो यानी टमाटर, ब्रिंजल यानी बैंगन, चिल्ली यानी मिर्च, पोटेटो, ये सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। वहीं पे जब आप मेडिसिनल क्रॉप्स पढ़ते हैं तो अश्वगंधा और बेलेडोना है, वो भी सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें ओरिजन है इसका, उत्पत्ति स्थल है पेरू। पेरू पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और उसे अपने उष्ण अमेरिका में बोल देते हैं। मेक्सिको से लेकर साउथ अमेरिका तक जो भी पार्ट आता है उसको अपने ट्रॉपिकल अमेरिका बोल देते हैं या उष्ण अमेरिका बोलते हैं। तो पेरू बोल दें, दक्षिण अमेरिका बोल दें या उष्ण अमेरिका बोल दें, और सेम का सेम ही ओरिजिन ये पोटेटो का भी है, आलू का ओरिजिन है वो भी पेरू है। और इंडिया के अंदर जिनका ओरिजिन अमेरिका है, पर्टिकुलर मैं बात करूँ ट्रॉपिकल अमेरिका, उनको भारत में लेके आए थे पुर्तगीज यानी पुर्तगाली लेके आए थे, और कौन सी सेंचुरी में लेके आए थे? 16वीं शताब्दी में, 16 सेंचुरी में लेके आए। तो आपसे पूछे कि टोमेटो इंडिया में इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो पुर्तगीज ने इंट्रोड्यूस किया था, और अपने यहाँ पे एक इंट्रोड्यूस क्रॉप है यानी बाहर से आई हुई एक फसल है। नेक्स्ट अपने बात करें क्रोमोजोम नंबर, तो क्रोमोजोम नंबर है वो है 2n = 24। टोमेटो, ब्रिंजल और चिली, इन तीनों के अंदर गुणसूत्र संख्या 2n = 24 है। पोटेटो में 48 है, 48 है, टेट्राप्लॉइड है वो। नेक्स्ट अपने बात करें फल का प्रकार, टाइप ऑफ फ्रूट है वो पेरी है। अपने पीछे एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक या तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, एक ही वीडियो के तीन पार्ट है, टाइप ऑफ फ्रूट्स, उनके अंदर बताया था बेरी क्या होता है, ड्रूप क्या होता है, या फिर पॉम क्या होता है, जो भी टाइप ऑफ फ्रूट है उनका सबका आपने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अपने बात करें इनफ्लोरेसेंस टाइप, पुष्पक्रम का प्रकार, तो पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है इसमें ट्रस बोलते हैं, यानी इसके इनफ्लोरेसेंस को अपने ट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट अदर अपने इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो भारत का टमाटर उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है, टोमेटो प्रोडक्शन में इंडिया थर्ड पोजीशन पे है, और जो लीडिंग कंट्री है वो चाइना, चीन का पहला स्थान है। टोमेटो की बात करें तो डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी है, C3 पौधा है, और स्वपरागित है। स्वपरागित इसलिए है, इसमें क्लस्ट्रोगेमी पाई जाती है। क्लस्ट्रोगेमी क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है, बंद फ्लावर में ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब फूल खिलता ही नहीं है तो क्रॉस पोलिनेशन के तो चांस बनते नहीं, यानी फूल बंद ही रहता है, इसमें एंथेसिस नहीं होती, फूल खिलता ही नहीं है और इसके अंदर ही पोलिनेशन हो जाता है, तो बाहर से पोलन जाने के कोई चांसेस नहीं होते। तो टोमेटो डे न्यूट्रल प्लांट है, दिवस निष्प्रभावी है,
C3 और सेल पोलिनेटेड है, स्वपरागिता, और इसमें क्लस्टोगेमी पाई जाती है, या पूछ ले ब्रीडिंग में पूछ लिया जाता है क्लस्टोगेमी। सब्जियों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रसंस्करण, सबसे ज्यादा जो प्रोसेसिंग होती है वो टोमेटो की होती है, वो अपने बात कर चुके हैं। टमाटर में विटामिन सी ए और डी मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है, यानी विटामिन सी ए और डी का एक अच्छा सोर्स है। टोमेटो का अगर अपने यूज करें तो ताजा खाने, सैलेड पर्पस, सलाद पर्पस से, वेजिटेबल में सॉस, केचप, प्यूरी, पेस्ट, सूप वगैरह में इनको काम में लिया जाता है। टोमेटो को मतलब जिंक बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए इसको जिंक लविंग प्लांट भी बोला जाता है। टमाटर की प्रथम संकर किस्म कर्नाटक थी, जो सब्जियों के अंदर दूसरी हाइब्रिड वेराइटी थी। अगर टोटल वेजिटेबल्स में बात करें तो जो कर्नाटक थी वो सेकेंड हाइब्रिड थी, और अगर टोमेटो की क्रॉप में बात करें तो फर्स्ट हाइब्रिड थी। आपने फर्स्ट हाइब्रिड तो सब्जियों की सुनी होगी, पुसा मेघदूत जो अपने लौकी के अंदर पड़ते हैं, और दूसरी अपने टमाटर की कर्नाटक है। नेक्स्ट अपने बात करें, टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, रेड कलर होता है वो लाइकोपिन की वजह से होता है। महाराष्ट्र का नासिक क्षेत्र और कर्नाटक का बेंगलुरु क्षेत्र टमाटर के लिए बहुत फेमस है, और यहाँ बहुत अच्छी क्वालिटी का टोमेटो होता है, और यहाँ से बहुत सारा टोमेटो वो एक्सपोर्ट भी होता है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो बस जयपुर जो है उसके अंदर इसका मार्केट है, यानी वहां के आसपास का टमाटर फेमस है। नेक्स्ट अपने बात करें क्लाइमेट, जलवायु, टमाटर जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का है। हॉट एंड ह्यूमिड का मतलब है ट्रॉपिकल, उष्ण जलवायु, यानी समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों का है, लेकिन इसको ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, सब क्लाइमेट के अंदर लगाया जाता है, मतलब पूरे इंडिया में हर जगह आप इसको देख सकते हैं। फिर ये डेड नेटुरल क्रॉप है, और तीनों ही सीजन में लगती है, समर सीजन में भी लगाते हैं, फिर मार्च में भी इसको लगाते हैं, उसके अलावा रेनी सीजन जून जुलाई में भी लगाते हैं, और विंटर सीजन अक्टूबर नवंबर में भी लगाते हैं, और हिली एरिया में जाओगे तो आपको जनरली मार्च अप्रैल में इसको लगाते हुए फार्मर को देखा जा सकता है। टमाटर की ग्रोथ के लिए जो उपयुक्त तापमान होता है, जो बेस्ट टेम्परेचर होता है, वो 21 to 25 डिग्री सेल्सियस, यानी 21 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो लाल टमाटर होगा तो वो मार्केट में अच्छी वैल्यू देके जाएगा, तो लाइकोपिन बनने के लिए जो सबसे बढ़िया टेम्परेचर होता है वो 20 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर 27 तक बात करें तो लाइकोपिन बढ़िया ही बनता है, सबसे बढ़िया तो रहेगा 20 to 24। 27 तक लाइकोपिन बढ़िया बनता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 27 के बाद, 27 डिग्री सेल्सियस के बाद लाइकोपिन बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता गया, लाइकोपिन बनना कम होता जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा, उसके बाद लाइकोपिन बनना कंप्लीटली बंद हो जाएगा, जिससे फिर टमाटर पीले से रंग का देखने को मिलेगा, उससे क्वालिटी कम हो जाएगी और मार्केट में उसकी वैल्यू कम मिलती है। तो आपसे पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकोपिन बनने के लिए सबसे सुटेबल टेम्परेचर 20 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है, और कहाँ तक बनता है, 27 तक बढ़िया बनता है, 27 के बाद लाइकोपिन बनना कम हो जाता है, और 40 के बाद बनना बिल्कुल बंद हो जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें सॉइल, सैंडी लोम सॉइल, बलुई दोमट मिट्टी बहुत बढ़िया होती है। आपने पहले अपने जैसे डैम्पिंग ऑफ की कई बार जिक्र किया है पीछे क्रॉप्स के अंदर, आद्र गलन की बात करें जैसे तने के पास पानी लग जाता है जिससे सड़न स्टार्ट हो जाती है, पीथियम है या राइजेक्टोनिया है या फ्यूजेरियम है, उसकी वजह से, कवक की वजह से, और पौधा टूट के नीचे गिर जाता है, तो वो आद्र गलन है, डैम्पिंग ऑफ। सब्जियों में सबसे ज्यादा जो डैम्पिंग ऑफ की समस्या होती है वो सोलेनेसी में ही होती है, तो सोलेनेसी में अपने को ऐसी सॉइल चाहिए जिसका वाटर ड्रेनेज, जल निकास है वो बढ़िया हो, तो सैंडीलोम सॉइल का जो वाटर ड्रेनेज होता है, जल निकास होता है, वो बहुत बढ़िया होता है। तो बढ़िया जो मिट्टी होती है वो बलुई दोमट होती है। उपयुक्त पीएच मान, सुटेबल पीएच की बात करें तो सुटेबल पीएच होता है 6 to 7 होता है। नेक्स्ट अपने बात करें अब वेराइटी ऑफ टोमेटोज, टमाटर की किस्मों की, तो जनरली आपको टमाटर 3 तरह का देखने को मिलता है। एक तो टमाटर होता है छोटी हाइट का, एक मीडियम हाइट का होता है, एक लंबी हाइट का होता है। जो लंबी हाइट का होता है उसको अपने बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप टोमेटो, अनिर्धारित वृद्धि वाला, लंबा 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 बढ़ता जाता है। इसकी हाइट 6 से 14 फीट तक हो जाती है, 14 फीट बहुत होते हैं, सॉरी 6 से 12 फीट तक हो जाती है, 6 से 12 फीट बहुत होता है, 12 फीट हाइट अच्छी खासी हाइट हो जाती है। और इस तरह की जो किस्में होगी, इस तरह की जो वेराइटी होगी, उसमें देखो क्या मिलेगा, जनरली अपने जो 3 बड होगी उनके अंदर फ्रूटिंग नहीं होगी, 3 बड के बाद अगली जो बड होगी उसमें फ्रूटिंग, फिर 3 बड पे फ्रूटिंग नहीं होगी, फिर अगली बड पे फ्रूटिंग, तो इस तरह से इनमें फ्रूटिंग देखने को मिलती है, यानी प्रत्येक तीसरी या चौथी बड पे आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। इस तरह का अगर कोई प्लांट है तो उसकी हाइट बहुत होगी और वो इनडिटर्मिनेट टाइप होगा, अनिर्धारित वृद्धि वाला होगा। दूसरा होता है अर्ध निर्धारित वाला, अर्ध निर्धारित से पहले अपने बात करें अनिर्धारित वाला, डिटर्मिनेट टाइप टोमेटो। डिटर्मिनेट टाइप टोमेटो क्या होता है, जिसकी प्रत्येक नोड पे क्या होता है, फ्रूटिंग देखने को मिलती है, हर एक नोड पे, हर एक गांठ पे फलन देखने को मिल सकता है। इसकी हाइट कम होती है, इसकी हाइट होती है 3 से 4 फीट, और यहाँ पे जो इनडिटर्मिनेट टाइप है उसकी हाइट कितनी होती है,
6 से 12, यानी अनिर्धारित वाला उसकी 6 से 12 फिट, निर्धारित वाला उसकी 3 से 4 फिट। अभी और भी अंतर की बात करें, एक होता है इन दोनों के बीच का जिसको अपने बोल देते हैं सेमी इंडिटर्मिनेट टाइप होता है, जिसकी हाइट आपको जनरली 4 से 6 फिट देखने को मिल जाती है। अब इस तरह का जो टोमेटो होगा, स्टेम तो इतना मजबूत होता नहीं है, ये बेल की तरह होगा, इसको ऊपर चढ़ाना पड़ेगा, सहारा देने की जरूरत पड़ेगी, तो इसके अंदर सहारा देना जरूरी है, और सहारे देने को अपने बोल देते हैं स्टेकिंग, आर्टिफिशियल जो आप सपोर्ट दे रहे हो पौधे को खड़े रहने के लिए, तो उसको आप बोलते हैं स्टेकिंग। तो इनडिटर्मिनेट टाइप में स्टेकिंग बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेट टाइप है उसमें स्टेकिंग जरूरी नहीं है, और सेमी डिटर्मिनेट अर्ध निर्धारित वृद्धि वाला है उसके अंदर भी आपको सपोर्ट तो देनी पड़ेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो किसके लिए, इनडिटर्मिनेट के लिए। नेक्स्ट अपने बात करें, इतना लंबा पौधा आप खुले खेतों में तो नहीं लगा सकते, आप सपोर्ट भी दे दोगे तो हवा के साथ वो गिर जाएगा, इसलिए इनडिटर्मिनेट टाइप का है वो ज्यादातर पोली हाउस और ग्रीन हाउस में ही लगाया जाता है। पोली हाउस ग्रीन हाउस में तो ऊपर तक रस्सी बांध देते हैं वायर के साथ और उसके सारे उसको क्या करते हैं, चढ़ा देते हैं, जैसे जनरली आपने हो सकता है प्रैक्टिकली देखा हो या फिर कहीं अखबार वगैरह आर्टिकल में पढ़े होंगे आपने। तो पोली हाउस ग्रीन हाउस में मेनली इनडिटर्मिनेट टाइप के लगाए जाते हैं, इनके एवरी थर्ड या फोर्थ नोड पे अपने को फ्रूटिंग देखने को मिलती है, जो 6 से 12 फीट का हाइट का ये होता है। डिटर्मिनेट निर्धारित वृद्धि वाला होता है, 3 से 4 फीट का होता है, विशेष सारे की कोई जरूरत नहीं पड़ती, जो खुले खेत है ओपन कल्टीवेशन है उसके अंदर अपने निर्धारित वृद्धि वाले यानी डिटर्मिनेट टाइप के टोमेटो ही लगाते हैं। नेक्स्ट अपने बात करें सेमी डिटर्मिनेट टाइप, जो इनके बीच का होता है, इनको भी जनरली अपने पोली हाउस ग्रीन हाउस में लगाते हैं और 4 से 6 फीट ये हाइट के होते हैं। सबसे पहले अपने अब बात करें निर्धारित वृद्धि वाले जो डिटर्मिनेट टाइप टोमेटो है उनमें कौन कौन सी वेराइटी है। देखो जो हमने पीछे बात की थी वो यहाँ पे डिटेल में लिखी हुई है, अपने यहाँ पे वैरायटी की बात करें तो निर्धारित वृद्धि वालों में किसमें डिटर्मिनेट टाइप में वैरायटी है, विशाली, रूपाली, रजनी, पुस्सा 120, सियोक्स, रोमा, पंजाब च्वारा, अर्का आलोक, पुस्सा रेड प्लम सिलेक्शन 120, सिलेक्शन 152, अर्का आशीष, अर्का अभिजीत, पुस्सा अर्ली ड्वार्फ, रश्मि, अर्का श्रेष्ठा, ये कुछ ऐसी वैरायटी हैं जो डिटर्मिनेट टाइप के ओपन कल्टीवेशन में इनको लगाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करें अनिर्धारित वृद्धि वाली किस्में इनडिटर्मिनेट टाइप जो लंबी है, इसमें वैरायटी हैं पुस्सा हाइब्रिड 1, पुस्सा संकर 1, पुस्सा हाइब्रिड 2, पुस्सा संकर 2, अर्का वरदान, अर्का विशाली, नवीन, बेस्ट ऑफ ऑल, मार्गलोप, पुस्सा रूबी, अर्का मेगाली, HS 102, पुस्सा उपहार, पुसा उपसहार, ये जो वेराइटियां हैं ये इनडिटर्मिनेट टाइप की है। नेक्स्ट अपने बात करें अर्ध निर्धारित वृद्धि वाली सेमी डिटर्मिनेट टाइप, ये है शक्ति, हिंसार अरुण, हिंसार अनमोल, अर्का विकास, अर्का सौरभ, अर्का अभिजीत, अर्का आहुति, अर्का आशीष, अर्का आबा, पुसा गौरव, पंत बहार सिलेक्शन 12, हिंसार लालिमा, हिंसार ललित, HS 101, HS 110। देखो जिन वैरायटियों में आगे अर्का लिखा हुआ, चाहे वो फ्रूट की वैरायटी है चाहे वो वेजिटेबल की वैरायटी है, जिनमें अर्का लिखा हुआ वो वैरायटियां IIHR हसरघट्टा बेंगलोर से रिलीज की जाती है, IIHR हसरघट्टा बेंगलोर से रिलीज की जाती है। जिन वैरायटियों के आगे पुस्सा लगा होता है वो आपको अच्छी तरह पता है, IRI पुस्सा नई दिल्ली से रिलीज की जाती है, और जिन वैरायटियों के आगे पंत लगा हुआ है उन वैरायटियों को गोविंद पल्लभ पंत जो यूनिवर्सिटी है उससे रिलीज किया जाता है, और जिन वैरायटियों में हिसार लगा हुआ है तो वो चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वहां से रिलीज की जाती है। नेक्स्ट अपने बात करें अब कुछ वैरायटियों के स्पेशल करेक्टर, पुस्सा शीतल, नाम से ही पता लग जाएगा ठंडे क्षेत्रों के लिए, शीतल क्षेत्रों के लिए, जो ठंडे जहां कम तापमान रहता है उस एरिए के लिए बहुत बढ़िया वेरायटी है। पुस्सा उपहार प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया है, जैसे सॉस के चपर वगैरह बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। पुस्सा दिव्या टोमेटो की फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी जो मेल स्टेरिलिटी से डेवलप की गई है, नरबंधेता से उत्पन्न की गई है, नरबंधेता से उत्पन्न की हुई पहली हाइब्रिड है। वैसे तो टोमेटो की पहली हाइब्रिड कर्नाटक और सब्जियों में जो दूसरी हाइब्रिड थी। नेक्स्ट अपने बात करें पुस्सा H1 यानी पुस्सा हाइब्रिड 1, अधिक तापमान वाले हाई टेम्परेचर वाले एरिए में और हाई टेम्परेचर वाले एरिए में और गर्मी में देरी से लगाने के लिए भी बढ़िया किस्म है। पुस्सा सदाबहार, नाम से ही पता चल रहा है, कम तापमान अधिक तापमान यानी दोनों तरह के वातावरण में लगाई जा सकती है, यानी सदाबहार है, कभी भी लगाया जा सकता है इसको। अर्का अरुणा अगेती वेराइटी है, बहुत ही अर्ली वेराइटी है ये, सबसे अगेती माना जाता है इसको। अर्का मेघाली, मेघाली जहां मेघ ज्यादा बारिश ज्यादा तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है अर्का मेघाली। अर्का विकास, क्षेत्र कैसा ही हो चाहे सूखा वहां भी विकास करेगी, यानी सूखे क्षेत्रों के लिए बहुत बढ़िया है। सिलेक्शन 120 और पुस्सा 120 दोनों की बात करें तो दोनों ही सूत्रकर्मी के प्रतिरोधी किस्में हैं,
यानी जो नेमेटोड है उसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है। नेक्स्ट अपने बात करें फ्लेवर सेवर, बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई, जे प्रौद्योगिकी से अमेरिका में तैयार की गई है। इसका जो सेल होता है वो थोड़ा मजबूत होता है, इसलिए इसकी स्टोरेज लाइफ होती है वो बहुत बढ़िया होती है। तो स्टोरेज लाइफ अच्छी होती है, बायोटेक्नोलॉजी से तैयार की गई है और इसमें विटामिन ए भी अच्छा होता है। नेक्स्ट बात करें आजाद क्रांति और अंगूर लता, ये भी नई वेराइटियों में से है और जो किचन गार्डनिंग है, ग्रह वाटिका है उनके लिए बहुत बढ़िया, और पर्टिकुलर मैं बात करूं अंगूर लता ग्रह वाटिका के लिए काफी फेमस है। नेक्स्ट अर्का श्रेष्ठा, जीवाणु इकट्ठा रोग बैक्टीरियल विल्ट के लिए रेसिस्टेंट वेराइटी है, यानी जीवाणु इकट्ठा रोग के प्रतिरोधी है। अर्का सौर बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है, फल बड़े आकार के होते हैं, सॉस केचप बनाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, बड़े साइज के फ्रूट होते हैं, सॉस केचप की प्रोसेसिंग के लिए बहुत बढ़िया मानी जाती है। होसा 120 अधिक उपज देने वाली है और नेमेटोड के लिए रेसिस्टेंट है, यानी सूत्रकृमि के प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट है अर्का आशीष, पाउडरी मिल्ड्यू चूर्णी फफूंद के प्रतिरोधी, पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट वेराइटी है। अर्का आलोक बैक्टीरियल विल्ट यानी जीवाणु इकट्ठा रोग है उसके प्रतिरोधी यानी रेसिस्टेंट वेराइटी है। अब कुछ जो वेराइटियां जो इंट्रोड्यूस वेराइटी है बाहर से लाई गई वेराइटी है, चियोक्स मार्बल ड्रोमा बेस्ट ऑफ ऑल लाबोनेटा टिप टॉप मनी मेकर, ये बाहर से इंट्रोड्यूस पुरस्थापित किस्में हैं ना। उसके बाद अपने बात करें पंजाब ज्वारा, मल्टी रेसिस्टेंट वेराइटी है, कई रोगों के प्रतिरोधी है, आगे जब डिजीज पढ़ेंगे उसके अंदर बात करेंगे, और प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत बढ़िया है पंजाब ज्वारा, प्रोसेसिंग के लिए भी बढ़िया वेराइटी मानी जाती है। ये कुछ पॉपुलर वेराइटियों के करेक्टर थे, बाकी सब वेराइटियों के करेक्टर की बात करेंगे तो अपने मिक्सअप हो जाएंगे, और ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो इन्हीं वेराइटियों में से पूछा जाना है। नेक्स्ट आगे की जो क्रॉप का डिस्कस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, टोमेटो सेकंड नाम के उस वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।